आइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड पार्ट के बारे में जानते हैं। एक पार्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, आज हम इसके सेकेंड पार्ट की चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के दो स्टेटमेंट हैं, वो दोनों एक दूसरे के तुल्य है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए पहले केल्विन और क्लासियस के स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। केल्विन की परिभाषा, किसी वस्तु को वातावरण के न्यून ताप की वस्तु से अधिक शीतल करने की से करके कार्य की प्राप्ति असंभव है, या किसी भी वस्तु के कार्य की सतत प्राप्ति एक ही ऊष्मा सूत्र से संभव नहीं है, अर्थात कार्य की सतत प्राप्ति के लिए सिंक का होना आवश्यक है। क्लासियस का स्टेटमेंट देखते हैं। क्लासियस का स्टेटमेंट द्वितीय नियम की परिभाषा रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। किसी भी स्वतः क्रियाशील मशीन के लिए जिसे किसी अन्य बाह्य सूत्र की सहायता प्राप्त ना हो, निम्न ताप वाले वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को प्रदान करना असंभव है, या ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं होती है। ये दोनों स्टेटमेंट हमने पहले देखे थे, आइए इनके इक्विवेलेंस की बात करते हैं। दो परिभाषाएं, ये दोनों परिभाषाओं की बात हमने की, वो दोनों एक दूसरे के समतुल्य है। द्वितीय नियम के अनुसार ऊष्मा की संपूर्ण रूप में कार्य में परिवर्तित केवल करना असंभव है, केवल कुछ ही भाग कार्य में परिणित होता है, शेष शिंक को विसर्जित होता है। ये दोनों परिभाषाएं समतुल्य है, इसका सत्यापन देखते हैं। यदि केल्विन की परिभाषा गलत है तो क्लासिस की परिभाषा भी गलत होगी। यदि केल्विन की परिभाषा गलत है तो इसका क्या अर्थ हुआ? एक ऐसा इंजन संभव है जो उच्च ताप T1 वाले सोर्स से T2 ऊष्मा शोषित करके निम्न ताप वाले सिंक को कुछ भी ऊष्मा विसर्जित किए बिना संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिणित कर देता है। आइए इन परिभाषाओं को इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए हम एक रेफ्रिजरेटर की इमेजिन कर रहे हैं। वो उन्हीं दो तापों के बीच कार्य कर रहा है जिसमें हीट इंजन कार्य कर रहा है। इस रेफ्रिजरेटर को उपयुक्त इंजन से कपल्ड कर दिया जाता है जिससे कि इंजन द्वारा उत्पन्न कार्य रेफ्रिजरेटर को चलाने के काम में आए। चित्र के अनुसार इंजन उच्च ताप वाले स्रोत से Q1 ऊष्मा शोषित करता है और संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित कर देता है तथा इसके साथ युग्मित रेफ्रिजरेटर सिंक से Q2 ऊष्मा शोषित कर उस पर W कार्य करके Q1 प्लस Q2 ऊष्मा सोर्स को विसर्जित कर देता है, अर्थात ये कपल परिणामतः Q2 ऊष्मा सिंक से शोषित करके उच्च ताप वाले सोर्स को देता है, अतः क्लासेस की परिभाषा भी गलत होगी। आइए इसे चित्र की सहायता से पुनः समझते हैं। यहाँ मैंने दिखाया है चित्र जो कि केल्विन की परिभाषा असत्य होने से क्लासेस की परिभाषा असत्य होगी, ये प्रूफ करता है। देखिए सोर्स और सिंक का टेम्परेचर T1 और T2 है। इसमें एक ऐसा इंजन कार्य कर रहा है जो T1 सोर्स से Q1 हीट लेकर उसे टोटल कार्य में परिवर्तित कर दे रहा है। सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दी जा रही है। Q2 ऊष्मा रेफ्रिजरेटर सिंक से एब्जॉर्ब कर रहा है। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये कार्य जो हीट इंजन ने किया वो हम कपल करने के बाद इस रेफ्रिजरेटर पे करा रहे हैं। उससे निम्न ताप से ऊष्मा Q2 एब्जॉर्ब करके Q1 प्लस Q2 ऊष्मा सोर्स को दी जा रही है। आइए इसे और थोड़ा समझते हैं। देखिए हम सिंक के ऊपर गौर करते हैं। केवल सिंक जो है हीट के फॉर्म में कोई भी ऊष्मा नहीं दे रहा है, लेकिन Q2 ऊष्मा ली जा रही है। तो सिंक से Q2 ऊष्मा ली गई और Q1 प्लस Q2 ऊष्मा सोर्स को दी गई। लेकिन दूसरी वे में हम ऊपर के डायग्राम से बात करें
तो सोर्स से Q1 ऊष्मा ली, Q1 प्लस Q2 ऊष्मा उसमें गई, यानी रिजल्टेंट Q2 हीट स्वतः ही लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही है, जो कि असत्य है। यदि क्लासियस परिभाषा गलत है तो केल्विन की परिभाषा भी गलत होगी। क्लासियस की परिभाषा गलत होने से माना कि एक रेफ्रिजरेटर ऐसा संभव है जो बिना किसी बाह्य इंजन की मदद से निम्न ताप T2 वाले सिंक से ऊष्मा अवशोषित कर उच्च ताप वाले सोर्स को देता है। अब हमने इसके साथ रेफ्रिजरेटर के साथ इंजन लिया और जो वो इंजन Q1 ऊष्मा अवशोषित कर रहा है सोर्स से और Q2 ऊष्मा विसर्जित कर रहा है सिंक को, और Q1 माइनस Q2 ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो रही है। अब इन्हीं सोर्स और सिंक के बीच में एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया जो कि Q2 ऊष्मा सिंक से शोषित कर रहा है और बिना किसी बाह्य सहायता के Q2 ऊष्मा सोर्स को भी दे रहा है। अब इन दोनों को कपल कर दिया जाए, दोनों मिलकर सोर्स से क्या देखते हैं हम, दोनों मिलकर सोर्स से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा का शोषण करेंगे और संपूर्ण ऊर्जा कार्य में ऊष्मा कार्य में परिवर्तित कर देंगे, अर्थात ये परिणाम केल्विन की परिभाषा को असत्य कर देगा। आइए चित्र से और समझते हैं। यहाँ आप देखिए, पहले आप सिंक पे गौर करिए, Q2 ऊष्मा ये ले रहा है और Q2 ऊष्मा ही दे रहा है, तो यानी सिंक का कोई रोल यहाँ पर नहीं है, जितनी ऊष्मा वो ले रहा है जितनी ऊष्मा वो वापस भी दे रहा है। तो यहाँ पर सोर्स की तरफ देखा जाए तो Q2 ऊष्मा ले रहा है, Q2 ऊष्मा दे रहा है, तो रिजल्टेंट Q1 माइनस Q2 ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो रही है, जबकि हीट इंजन के पास कोई भी एक्सटर्नल वर्क हम नहीं कर रहे। तो क्या देखा हमने कि Q1 माइनस Q2 हीट संपूर्ण ऊष्मा का अंतर कार्य में परिवर्तित हो रहा है, जो कि असत्य है, क्योंकि हमने क्लासियस की परिभाषा को असत्य लिया। तो हमने देखा कि केल्विन की परिभाषा भी असत्य आती है, यानी दोनों परिभाषाएं एक दूसरे के समतुल्य है। धन्यवाद।